नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। जन्माष्टमी के व्रत में ये फल कभी मत खाना, व्रत टूट जाता है, पूरे घर में कंगाली आ जाती है। दोस्तों, खासकर जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को ये फल कभी नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ जन्माष्टमी पर 5 गलतियां करने पर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं, ऐसा पाप कभी मत करना। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। जन्माष्टमी का इंतजार भक्तों को बड़ी बेसब्री से रहता है। इस दिन मटकी फोड़ने का बड़ा ही महत्व है, परंतु क्या आप जानते हैं, खासकर जन्माष्टमी पर सच्चे दिल से जो व्यक्ति व्रत आदि रखता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साथ जन्माष्टमी पर व्रत रखने पर एक स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जन्माष्टमी पर ये 5 गलती नहीं करना चाहिए, नहीं तो हो जाएगा अनर्थ। साथ ही साथ जन्माष्टमी के दिन व्रत में ये फल कभी मत खाना, इससे भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सच्चे दिल से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं जन्माष्टमी साल 2022 में कब है? 18 अगस्त या फिर 19 अगस्त? आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी इस बार 2022 18 अगस्त दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 18 अगस्त की रात्रि 9:20 पर और समाप्ति होगी 19 अगस्त की रात्रि 10:59 पर। दोस्तों, निशिता काल पूजा का शुभ समय रहेगा 18 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को और समय होगा रात्र के 12:03 से लेकर रात्रि 12:47 तक और पूजा के लिए कुल अवधि रहेगी 44 की। दोस्तों, वहीं पारण का समय रहेगा 19 अगस्त दिन शुक्रवार सुबह 5:52 के बाद। दोस्तों, जन्माष्टमी पर ऐसी मान्यता है कि आईने में अपना चेहरा देखने के बाद ही जन्माष्टमी का व्रत रखना यानी कि खोलना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। इससे व्यक्ति को श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखना चाहिए। इस दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है। दोस्तों, माना जाता है कि जन्माष्टमी के व्रत में व्रत रखने वाले व्यक्ति को नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। नाशपाती एक फल होता है और इस फल का नाम नाशपाती नाश करने वाला होता है, इसलिए आप जन्माष्टमी के दिन नाशपाती फल का सेवन बिल्कुल भूलकर भी ना करें। इसे आप किसी और दिन खा सकते हैं, लेकिन व्रत के में कभी ना खाएं। भगवान श्री कृष्ण को ये फल कभी अर्पित ना करें, इससे आपका व्रत भंग हो सकता है। शास्त्रों में यानी कि कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर भी फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या फिर कोई भी व्रत हो, क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको कोई अपने मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। यानी कि सिंघाड़े कट्टू जिसे कहते हैं, सिंघाड़े के आटे की भी आप यानी उपयोग ना करें, इस दिन आप ना खाएं, नहीं तो व्रत टूट जाता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल दोस्तों, पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाने से घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, गाय को सताना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गाय को अधिक प्रेम करते हैं,
मान्यता की जन्म अष्टमी के दिन गाय के मस्तक पर हाथ लगाने पर या चूमने पर व्यक्ति को कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा हर जन्म अष्टमी के दिन हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गाय के मस्तक पर अस्थाई रूप से श्री कृष्ण का वास होता है। दोस्तों, जन्म अष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। माना जाता है कि खासकर जन्म अष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का ही अवतार माना गया है और तुलसी को भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता। आप तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लें। दोस्तों, जन्म अष्टमी पर लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का अनादर भी या अपमान भी नहीं करना चाहिए। कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान हैं, इसलिए सबका सम्मान करें। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। हैप्पी जन्माष्टमी।